हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हो आप सभी? आई होप सभी बढ़िया होंगे। तो आज का ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। आज आ रहे हैं बड़ी दूर नेचुरल ब्यूटी वे, जा रहे हैं हम नेचुरल ब्यूटी वे, जहाँ आप देख सकते हो बड़ी ज़बरदस्त ब्यूटी है, आपको दिखाएंगे। ट्रैक है हमारा 3 दिन का, 3 दिन उधर ही रहना है। तो अभी बस निकल रहे हैं घर से, चलो चलते हैं। तो अभी हम निकल चुके हैं पेट्रोल पंप के पास पहुँच के, तो आगे जाते हैं, आगे देखते हैं व्यू कैसा है। आपको दिखाता हूँ लाठी जाना है, लाठी के थोड़ा आगे जाना है, देखते हैं आगे। ये पहुंच गए हम अभी सुदमा दे, ये बोर्ड है नीचे, मंदिर है प्राचीन। तो ये मार्टलाइज व्यू है, वो सामने दिख रहा है। तो अभी हम पहुंच गए हैं मार्टलाइज में, ये मार्टलाइज आ रहे हैं, आपको दिखाएं। आगे जा रहे हैं, वो जा रहे हैं, सभी पापा जा रहे हैं और जा रहे हैं चाचू तक है। ये मांडलाई पहुँच गए हम और आपको मांडलाई का व्यू दिखाते हैं, बहुत ही खूबसूरत है। जो पीछे मैंने आपको रोड दिखाया ना, वो हाईवे निकल रहा है किश्तवाड़ के लिए, जो कि चनैनी के ऊपर ऊपर से निकल रहा है और सुदमा देव के पास है, सुदमा देव के ऊपर से ही। तो ये आगे मेट्रो स्टैंड आपको दिखाता हूँ, ये मेट्रो स्टैंड है इधर, ये सभी जा रहे हैं आगे। ये प्राचीन मंदिर आ गया मांडलाई में, देख लो प्राचीन मंदिर है, महादेव जी का मंदिर है ये ऊपर, और इधर नहाते हैं। इधर नहाते हैं लोग, फिर दर्शन करने के लिए जाते हैं। वो सामने मंदिर है ऊपर, शिव और पार्वती का विवाह हुआ था, वो वाला स्थल है इधर। भाइयों, जो आप लोग पत्नीटॉप वगैरह जाते हो, वहां पे कुछ नहीं है देखने वाला। कभी मांडलाई आओ, टाइम निकाल के, आपको इतना जबरदस्त व्यू दिखाते हैं मांडलाई का, बहुत ही नेचुरल ब्यूटी है इधर की, देख सकते हो आप। ये देख सकते हो आप, ये पहले का जो बाबे के टाइम का टावर था, अभी इधर तो बहुत काम स्टार्ट लगा है, ये काम चल रहा है। वो नीचे ग्राउंड आ गई, ये तो अभी कुछ बिल्डिंग बन रही है, पता नहीं कौन सी बिल्डिंग है। तो आपको जूम करके दिखाता हूँ, ये देखो बिल्डिंग बन रही है। ये बड़ा ही अच्छा गार्डन बनाया हुआ है इन्होंने बैठने के लिए, पर अभी काम स्टार्ट है इधर, काम चल रहा है अभी। ये देखो इधर जो कि ग्राउंड बनी हुई है, बहुत ही बढ़िया ग्राउंड बनी हुई है इधर के। ये भाई सभी जो भी मेरा यूट्यूब चैनल, जो भी मेरी वीडियो वगैरह ब्लॉग देखते हैं, तो उनको मैं यही कहना चाहूँगा कि आप एक बार ज़रूर आएँ वहाँ। इधर बहुत ही खूबसूरत जगह है, बहुत ही ठंडी ठंडी हवा चल रही है और पानी भी बहुत ठंडा है इधर का। ये देख सकते हैं आप उस टाइम की गाड़ियाँ जो आवा की पड़ी हुई हैं, पुरानी छोटी थार वगैरह जो भी गाड़ी हैं, वैन वगैरह इधर पड़ी हुई हैं। ये देख सकते हो आप पुराने ट्रक वगैरह, रोलर वगैरह पड़े हुए, डंपर। ये सामने हॉस्पिटल था जो पहले बहुत ही बुरी कंडीशन थी, अब तो ठीक हो गया, रिपेयर हो गया। अभी आपको नीचे से दिखाएंगे जाके। ये देखो आप, ट्रक पड़े हुए हैं, रोलर वगैरह पड़ा हुआ है, डंपर पड़े हुए हैं। मतलब पहले तो अभी इन्होंने जब से रोड बनाया तो साइड पे कर दिए, पहले तो ऐसे पड़े हुए थे जैसे पहले, मतलब जबकि पड़े हुए थे वैसे ही सड़ गए हैं ये। गाइस, जो आप बिल्डिंग देख रहे हो, इसकी अभी रिपेयरिंग चल रही है, पहले तो बहुत ही बुरी कंडीशन थी इसकी भी, और रिपेयरिंग चल रही है। पहले तो मैं ऊपर भी गया था हूँ,
बट अभी क्या पता जाने देंगे या नहीं दे देंगे। जो हेलीकॉप्टर था जो भी बाबा जी का, वो दिखाएंगे आपको, जो पुराने ज़माने का पड़ा हुआ सब उनके जल गया था वो दिखाएंगे आपको, हेलीकॉप्टर वो भी दिखाते हैं। वो पड़ा तो नहीं है बट उसकी मोटर वगैरह जो भी सामान होता है थोड़ा बहुत वो इधर ही पड़ा है वो दिखाते हैं आपको। ये हट बन रहे हैं रहने के लिए, देख लो कितने अच्छा खूबसूरत है, आप देख सकते हो, आपको दिखाऊंगा। और ये देखो अभी कुछ बन रहे हैं और कुछ बन गए हैं, और इतना ही मतली नज़ारा है इधर। खास करके आप एक बार मंडलाई जरूर आना भाई, देख लो, और इतना ही मज़ा है। ये मैं आपको हेलीकॉप्टर दिखाऊंगा, फिर बाबा जी का पंखा पड़ा हुआ है, वो गाड़ी पड़ी हुई है जो जहाज़ है, जो जहाज था उसका सामान पड़ा हुआ है ये वाला, ये देख रहे हो आप जो लोहे के एंगल दिख रहे हैं आपको, ये वही सामान पड़ा हुआ है, आप देख रहे हो सामने, ये वही सामान पड़ा हुआ है, देखो ये जहाज़ के वो पड़ा हुआ है, पंखा पड़ा हुआ है, ये गाड़ी पड़ी हुई है और ये सामान पड़ा हुआ है उसका, जहाज़ का, हेलीकॉप्टर का, सॉरी मैं जहाज़ बोल रहा हूँ इतनी देर से, हेलीकॉप्टर का। अगर भाई उन्होंने ऊपर जाने दिया तो ऊपर का नज़ारा दिखाएंगे, ये आप नीचे तभी व्यू देख सकते हो इधर से। और ये भी कुछ बन रहा है पर ये बंद हो गया अभी, ये नीचे घर है वगैरह देख रहे हो आप। तो ऊपर मैं पहुंच गया हूँ, बड़ा ऊपर था, सांस फूल गई मेरी, अभी आपको व्यू दिखाता हूँ, ऊपर का व्यू दिखाता हूँ, सब कुछ दिखाता हूँ, चलो स्टार्ट करते हैं आपका व्यू। तो देख रहे हो आप इधर का, मेरे को भी आगे जाने का डर लग रहा है, देख रहे हो कितना खूबसूरत व्यू है इधर का। और ऊपर देखो बिल्डिंग बन रही है, ये हॉस्पिटल है, अभी हॉस्पिटल उस साइड जाएंगे, देखते हैं आगे, बंद होगा फिर नहीं जा पाऊंगा, नहीं तो आपको हॉस्पिटल ही दिखाऊंगा। जे भी ऊपर बनना है बट अभी काम लगा है तो बनेगी बिल्डिंग, अभी ऊपर वाला कर रहे हैं वो काम। इधर का व्यू दिखाऊँ आपको, ये लिफ्ट लिफ्ट लगाया था इन्होंने जो कि आने जाने का, देख लो भाई, ये देखो नीचे भी काम लगा है, बिल्डिंग बन रही है, कुछ रोड भी है निकला हुआ है और भी कुछ इन्होंने बनाया हुआ है, बड़ी खूबसूरत व्यू भी है इधर की, देख लो मैं आपको दिखाऊंगा। ये देख रहे हो आप सामने पार्क वगैरह, आगे जाने के लिए डर लग रहा है मेरे को आगे, तो देख सकते हो आप इतना अच्छा व्यू है। जो भी लोग हिमाचल वगैरह पंजाब वगैरह जाते हैं मैं उनको एक बार कहूँगा कि आप प्लीज़ एक बार इधर मंडलाई में आए, बहुत ही खूबसूरत जगह है इधर। तो चलो चलते हैं गाइस, हॉस्पिटल दिखाता हूँ आपको, हॉस्पिटल के बाहर ऊपर जो स्विमिंग पूल था बाबा जी का वो भी दिखाता हूँ आपको, निकलते हैं तो फिर आपको आगे एक और जगह दिखाऊँगा जो कि बड़ी अच्छी खूबसूरत व्यू है, वहाँ ब्यूटी है बहुत, तो इससे बहुत बढ़िया जगह है वो भी दिखाऊँगा आपको। पहले तो मैंने आपको बिल्डिंग दिखाई, अभी हॉस्पिटल दिखा रहा हूँ जो बाबा जी का हॉस्पिटल था, जो सीढ़ियाँ ऊपर को गई, देख सकते हो, देखूँगा अंदर, डर लगती है। ये हॉस्पिटल था बाबा जी का, जो हॉस्पिटल बना रहे थे वो, ओह बड़ी बुरी कंडीशन है इसमें, अंधेरा ही अंधेरा है भाई, लोग डाल रहे हैं, पहले तो टाइलें इतनी कमी होती थी, मेन मेन जगहों पर डाली होती थी, देखो उस टाइम इंग्लिश सीट का ट्रेंड तो अभी आया, उस टाइम बाबा जी ने इंग्लिश सीट भी लगवाई थी इधर, बड़ा एक गंद कचरा वगैरह पड़ा हुआ है, कागज वगैरह बहुत ही पड़े हुए हैं। ये एक्सरों की रिपोर्ट है, देख सकते हो आप एक्सरों की रिपोर्ट है, कितना लिखा है इन्होंने 1992, और जो कोड इन्होंने कोड डाला है 1992 से लेकर मल्ली 30/7/2000, जगह जहाँ बाबा जी खुद रहते थे। ये छोटा जू बना हुआ है इधर, तो अभी हम पैदल चल रहे हैं, गाड़ी अभी तक पहुंची नहीं है, गाड़ी आएगी फिर गाड़ी पे जाएंगे,
जो मैं और मेरे भैया साथ में चल रहे हैं। स्माइल भैया जा रहे हैं। तो अभी हम बस के छत के ऊपर बैठे हुए हैं। रशी बहुत है बस में, तो छत पे आ गए भैया मेरे साथ रखे हैं। इतना खूबसूरत मौसम है, धूप बड़ी हुई है। ये काली माता का मंदिर है, छपरी मोड़ सराड़।